हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज का ये जो मेरा वीडियो है वो आपको शायद टाइटल से पता चला ही होगा कि आज मैंने मेरे जो भी न्यू हाउस के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, सोचा उसका एक वीडियो बना देती हूँ और आपके साथ में भी शेयर कर देती हूँ। तो आज का काफ़ी छोटा है मेरा ये वीडियो और सिंपल सा होने वाला है, और आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाया आपको, काफ़ी अच्छा वेदर हो चुका था और अभी बज गए थे शाम के 4:30। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, थोड़ा बहुत मेरा मतलब अभी सामान आ गया था और उसके पहले भी मतलब ये वाली जो शॉपिंग है ना मेरी, सॉरी शॉपिंग जो है ना ये वाली ऑनलाइन और थोड़ी सी ऑफलाइन होने वाली है। तो जो भी मैंने चीज़ें खरीदी है वो सोचा आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। मैंने थोड़ी सी किचन के लिए खरीदी है, थोड़ी सी लिविंग रूम के लिए परचेस की थी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये एक है कॉर्नर स्टैंड। ऐसे मतलब मैंने ये वाला जो है ना प्रोडक्ट मीशो से ऑर्डर किया है। ये सेम मुझे दो पीस में रिसीव हुआ था, एक मैंने बाथरूम में लगा दिया है और एक वाला ये जो है ना मैं किचन में लगाने वाली हूँ। और उसके साथ आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के का हुक आया है, और इसमें अगर आप वॉल में माउंट कर सकते हो तो उसके साथ स्क्रू भी मिले हैं। तो जैसे आपको मतलब कन्वीनियंट होता है आप उस तरीके से लगा सकते हैं। और ये वाला जो स्टैंड है ना, ये मुझे दो पीस का सेट रिसीव हुआ था, तो फ्लिपकार्ट के ऊपर भी मतलब 50 या 60 रुपीज़ से ज़्यादा था, मीशो पे सबसे कम था। तो मैंने ले लिया और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, मुझे तो मतलब पसंद आ गई। प्राइस के हिसाब से तो काफ़ी बेस्ट है। और दूसरा वाला ये एक स्टैंड मैंने ब्लैक कलर का परचेस किया है, ये मैंने किचन काउंटर के ऊपर रखने के लिए लिया था, उसी पर्पज़ से लिया है। तो आप देख सकते हो दो शेल्फ का मतलब दो रैक है, ऊपर एक स्टोरेज रखेंगे आप और नीचे वाला एक, और काफ़ी मतलब स्टडी है और लोहे का है, प्लास्टिक का नहीं है। आपको लग रहा होगा प्लास्टिक का है, नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये लोहे का है। ब्लैक कलर की फिनिशिंग है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है, और मुझे तो देखते ही पसंद आया गया था ये वाला स्टैंड। जबकि मैंने पार्सल लेने के लिए गई थी तब तक तो देवांश ने खोल के भी रखा हुआ था, मैंने कुछ शूट नहीं किया। वो मतलब बच्चों के बीच में ना जैसे थोड़ा बहुत शूट होता है उस तरीके से शूट करने की मैं कोशिश करती हूँ। और ये वाला जो स्टैंड है काफ़ी अच्छा है, ये भी मैंने मीशो से ही परचेस किया है। आई थिंक ये मुझे 340 या 350 के बीच में मिला है, बस वही रेंज है। तो और तीसरा वाला प्रोडक्ट ये है ग्लास ऑयल कंटेनर्स। ये भी मैंने शायद मीशो से ही ऑर्डर किया हुआ है। तो ये वाले दो ग्लास कंटेनर है, ये मुझे मिले हैं लगभग 220 या 230 में, और इसके मतलब सेट है। तो दो छोटे वाले ग्लास के जार मिले हैं मुझे, आप मतलब बॉक्स भी बोल सकते हो आप, ये जो मैंने अभी निकाल के रखी हूँ ना वो। और ये आप देख सकते हो ऑयल बॉटल में डालने के लिए, क्योंकि डालते थे ना ऑयल का जो बॉटल है उसका जो ऊपर का मतलब साइज़ है ना काफ़ी छोटा है, तो उसमें ऑयल डालने के लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। मतलब मुझे तो मैंने फर्स्ट टाइम जैसे डाला तो मेरा तो गिर ही गया था नीचे, मतलब वो ग्रीन कलर का जो है ना ऑयल डिस्पेंसर या फिर आप कुछ भी बोल सकते हो, ऑयल उसमें वो बॉटल में रख के उसके ऊपर से ऑयल डालोगे ना तो ईजिली आपका बॉटल में ऑयल चला जाएगा। तो आप देख सकते हो जो मैंने ग्लास की बॉटल आपको दिखाई, ये वाली भी और ये वाली छोटे जो बॉक्स है दो, ये भी ग्लास के मुझे रिसीव हुए हैं, और ये उसके ऊपर की लीड है जो ग्लास की बॉटल है ऑयल की उसके। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, मुझे तो लगा ही नहीं था कि मतलब इतना अच्छा क्वालिटी मुझे रिसीव होगा, वो भी 220 या 230 बस उतने के बीच के, मतलब मुझे इतना ध्यान नहीं है। तो मैंने काफ़ी टाइम हो गया था मैंने ऑर्डर किया हुआ था, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। मैंने काफ़ी सारे रिव्यू भी देखे थे इसके, मतलब सारे रिव्यू पॉजिटिव है, एक से बढ़कर एक रिव्यूज़ थे इसके, इसलिए मैंने ये वाला जो सेट है ना मंगा लिया था। कितना रिजनेबल मतलब एकदम चीप प्राइस में मुझे ये वाला प्रोडक्ट जो है ना रिसीव हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो ऊपर ऑरेंज वो ब्रश टाइप एक पैक मिला है, दो ऑयल बॉटल, दो छोटे वाले बॉक्स और वो एक ऑयल डालने का, ऐसा करके 5 पीस का मुझे एक सेट जो है ना रिसीव हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं।
और ये मैंने कर्टन्स ऑर्डर किए थे, ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये मैंने लिविंग रूम के लिए लिया हुआ है क्योंकि मेरे पास जो पुराने वाले कर्टन्स थे ना, वो वाले कर्टन्स मुझे सफिशियंट नहीं थे, मुझे और कर्टन्स की मतलब काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने ये वाले कर्टन जो है ना लिविंग रूम के लिए परचेस किए हुए हैं ग्रे कलर के। और ये आप देख सकते हैं, ये वाला वाइट कलर का शीट कर्टन है, 4x7 का 2 पीस का सेट है, ये मुझे 400 में मिला है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है गाइज, आप मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते, मुझे तो देखते ही पसंद आ गए थे। ये वाला जो पैटर्न है ना वाइट कलर के जो कर्टन है, इसी में मैंने सेम दूसरे दो कर्टन्स ग्रे कलर के ऑर्डर किए थे, वो भी मुझे रिसीव हो गए थे, बट वीडियो बनाने के थोड़े टाइम पहले ही मैंने उसे रिटर्न करवा दिया था, क्योंकि मुझे 4x7 का नहीं, मुझे 4x9 का कर्टन्स मैंने जैसे ही मतलब सेट करके देखा तो छोटे पड़ रहे थे काफ़ी, इसलिए मैंने इसे रिटर्न किया हुआ है। वाइट वाले भी रिटर्न किया हुआ है, बट पता नहीं इसका रिटर्न पिकअप कब आ जाएगा। तो मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले ग्रे कलर के कर्टन्स रिटर्न कर दिए थे और ये वाले जो है वाइट कलर के। तो ये वाइट कलर के जो कर्टन्स है, ये मुझे 2 पीस का सेट जो है ना 400 रुपीज़ में रिसीव हुआ है, यानी कि 1 पीस मुझे 200 में पड़ा है, और ग्रे वाला भी सेम ही प्राइस है उसका भी, 400 में 2 पीस का सेट है। तो ये तो मुझे रिटर्न करवाना था, इसीलिए मैंने इसे पैक करके रख रही हूँ, क्योंकि बच्चे ना, मेरे बच्चे तो ज़्यादा ही एक्टिव है, कुछ ना कुछ निकालते ही रहते हैं। और ये दिखा रही हूँ मैं आपको ग्रे कलर के कर्टन्स, ये भी काफ़ी सुंदर कर्टन्स है गाइज, अगर आप देख रहे हो ना कर्टन्स, ब्लैकआउट कर्टन्स है, आप अगर आपको मतलब थोड़ा प्राइस ज़्यादा है बट काफ़ी अच्छे है, क्वालिटी अच्छी है, मुझे डिज़ाइन अच्छी है और शाइनिंग भी काफ़ी बेस्ट लगी मुझे, मैंने डाल के भी देखा था लिविंग रूम में, मुझे तो काफ़ी पसंद आ गए थे इसलिए मैंने रख लिए। ये भी 4x7 के कर्टन से, ये मैंने 4 पीस ऑर्डर किए हुए और मुझे 2 पीस आई थिंक 800 में मिले हैं, तो 4 पीस मुझे 1600 में मिल गए हैं, यानी कि 1 पीस का प्राइस हुआ 400 रुपीज़। आप देख सकते हो ब्लैकआउट कर्टन है, अगर आपके घर में ज़्यादा रोशनी आती है ना, जैसे कि हमारे लिविंग रूम में ज़्यादा रोशनी आती है, अभी तो समर चला गया बट रोशनी ज़्यादा आती है, तो ये कर्टन बेस्ट है, ब्लैकआउट कर्टन्स है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी क्वालिटी। और नेक्स्ट है ये वाला आइटम, ये है सोफ़ा कवर, 3x1x1 5 सीटर के लिए मैंने ऑफलाइन परचेस किया हुआ है, तो वही दिखा रही हूँ आपको, मतलब सोफ़ा अभी जो रिसेंटली मतलब ये वाले सोफ़ा कवर निकले हैं ना, जैसे इलास्टिक के टाइप के, जैसे बेड शीट निकले हैं इलास्टिक के, वैसे उसी में ही है, बट मुझे इतना खास नहीं लगे, मैं लेने के लिए तो लेके आ गई थी बट घर पे आने के बाद मैंने, और आप देख सकते हो ये जो उड़ के जा रहे हैं ना छोटे छोटे वाले, एकदम थर्मोकॉल के जैसे ही है, वो टक करने के लिए है साइड में, तो ये तो मेरे बच्चे निकाल के फेंक ही देंगे बट मुझे कि नहीं, सोफ़ा जैसे कि मतलब नया है तो बच्चे ख़राब कर रहे, इस वजह से ना मैं गई थी, मतलब देखेंगे करके बोले गए थे हम लोग, तो मुझे ठीक ठाक लगा वहाँ पे, बट घर पे आने के बाद मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ऐसा नहीं कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ये मुझे 1600 में मिला है ये वाला सोफ़ा कवर, ये 3x1x1 का सोफ़ा सेट कवर है, आप देख सकते हो साइड से इलास्टिक लगा हुआ है और सोफ़े के नीचे के साइड में आप जो डोरी दी है ना उससे बांध भी सकते हो, इससे आपका सोफ़ा कवर जो है ना काफ़ी फिक्स बैठेगा, बट इसका प्रॉब्लम ये है, मैंने डाल के भी देख लिया था सोफ़े के ऊपर, मतलब आपके घर में अगर बच्चे हैं ना तो आप ये वाला सोफ़ा कवर तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद ही एकदम मतलब सेट नहीं रहता है और उसकी वजह से ना काफ़ी गंदा दिख रहा है। और ये वाला सोफ़ा कवर तो मेरे ऑलमोस्ट मैंने 2 घंटे लगा दिए थे सोफ़ा कवर लगाने के लिए, बट बिल्कुल सेट नहीं हुआ, काफ़ी छोटा पड़ रहा था ये वाला सेट मुझे, और मैंने लेके आके मुझे ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन हो गए थे, वैसे मैंने कबोर्ड में रख दिया था, ट्राई नहीं किया था, बाद में मैंने वो वाले भैया को फ़ोन करके बोल दिया था, तो उन्होंने बोला कि मतलब ठीक है कोई बात नहीं आ रहा है तो आप देख लीजिए, उसके बदले में और कुछ ले सकते हैं। और मैं लेने के लिए तो गई थी सोफ़ा कवर, आप देख सकते हो बेडशीट, उसी शॉप में से मैंने एक ये वाला बेडशीट परचेस किया है ग्रे कलर का, उसके ऊपर येलो कलर के और ब्लू कलर के
काफ़ी बड़े बड़े फ्लावर्स बने हुए हैं, और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा जो बिछा हुआ बेडशीट है उससे काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसे इसकी। मुझे तो ये वाला बेडशीट जो है शॉप में देख के काफ़ी पसंद आ गया था, इसलिए मैंने ये वाला एक ले लिया। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, एकदम सॉफ्ट है, कॉटन नहीं है। आजकल मुझे कॉटन की बेडशीट तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे, तो ये काफ़ी अच्छा है। ये सिर्फ और सिर्फ मुझे ये 400 रुपये में मिल गया, और काफ़ी बड़ा साइज़ है। मेरा तो डबल बेड है, बट आपका किंग साइज़ का बेड है ना, उसे भी आराम से ये वाला जो बेडशीट है ना बैठ जाएगा। तो ये मैंने ऑफलाइन ही लिया है, ऑनलाइन नहीं लिया। और वो वाले जो भैया का शॉप है ना, बोल रही थी कि वो ऑनलाइन भी उनका माल जाता है, मतलब जैसे अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। मैंने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं क्योंकि बच्चे सता रहे थे, बट मुझे अच्छा लगा 400 रुपये में। तो मैंने वो वाला सोफ़ा कवर 1600 में, और ये वाला जो बेडशीट है 400 रुपये में, ये मैंने 2000 में परचेस किया है यहाँ पे पूना में पिंपरी करके एक एरिया है वहाँ से। तो आते टाइम ये मुझे एक लैम्प दिख गया, तो ये मैंने 50 रुपीज़ में परचेस किया है। काफ़ी सुंदर है और काफ़ी मतलब अच्छा लुक दे रहा है रूम का। नाइट में तो मैं आजकल यही चला रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहीं तक था मेरा आज का ये छोटा सा शॉपिंग वीडियो, जो मैंने न्यू घर के लिए जो भी सामान परचेस किया है सोचा आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलती हूँ आपको ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ में, नए दिन के साथ में। तब तक आप रखिए आपका ढेर सारा ख्याल। बाय।